नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के ठीक बाहर खड़े हुए, जहां आपको बता दें कि एक जन आक्रोश आंदोलन विशेष तौर पर पानी की समस्याओं को लेकर लाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर के अध्यक्ष रियाज आजमी के नेतृत्व में ये पूरा मोर्चा जो है महानगर पालिका के गेट के ठीक समक्ष यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस काफ़ी भारी संख्या में तैनात है। इस मोर्चे की बात की जाए तो मोर्चे में महिलाओं ने विशेष तौर पर हंडा, कलसी और मटके का उपयोग करा, यहाँ पर मटका लाकर जो है महानगर पालिका के गेट के समक्ष तोड़ते हुए दिखाई दिए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि एक डेलीगेशन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त के पास ले जाया गया, लेकिन ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आयुक्त ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रियाज आजमी और जो डेलीगेशन उनके साथ में जो और 5 लोग गए थे, सारे लोग महानगर पालिका के आयुक्त के कार्यालय के बाहर बैठकर जो है नारेबाजी करने लगे और कहा कि प्रशासन जिस तरह से देखा जाए शहर की जनता को पीने के पानी से मोहताज जो लोग जनता है उन्हें कहीं ना कहीं जो है तकलीफ देने का काम कर रही है। लेकिन रियाज आजमी ने कहा कि महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं वो बहुत जल्द जो है पानी की समस्याओं पर एक बैठक बुलाकर इस समस्याओं का समाधान निकालेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज भिवंडी शहर की जनता जो है समाजवादी पार्टी के इस मोर्चे का खुलकर समर्थन करते हुए दिखाई दी। लगभग यहाँ पर भारी संख्या में महिला पुरुष जो है यहाँ पर इस मोर्चे में दिखाई देते हुए नजर आ रहे। आप देख सकते हैं कि मोर्चे का समापन हो चुका है और लोग अब अपने अपने घरों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से यहाँ पर मोर्चा लाया गया, अब इस मोर्चे का क्या निर्णय और क्या रिजल्ट आता है आने वाला समय बताएगा। आक्रोश मोर्चा लेकर आए लोग, सब आए, मेरी माँ बहनें आई, मेरे भाई आए, हम लोग आए। हम लोग अपने घर में पानी भरने के लिए नहीं लेके आए, आवाम का दर्द है लोगों के लिए हम लोग आ रहे हैं और अपने लोगों के लिए, मेरे भिवंडी कर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ के लिए आया हूँ मैं। मगर यहाँ पर जब हम पहुँचे तो इनको तो सेंड ऑफ की पड़ी है, हमारे कमिश्नर साहब को जी। वो अंदर बिजी है, बोले डिप्टी कमिश्नर, मतलब मैं मिलूँगा नहीं, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ मैं मिलूँगा नहीं डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर मिलेंगे मुझसे। मैं वहाँ बैठ गया, ज़मीन पे हम लोग बैठ गए, जैसा कि आमिर साहब वगैरह और 2-3 पत्रकार भाई मेरे थे वहाँ, देखे मैं ज़मीन पे बैठ गया। तब फिर वो निकले, मतलब साहब आपको शहर की इतनी पड़ी है कि सेंड ऑफ की ज़्यादा पड़ी हुई है, जो आज सेंड ऑफ पार्टी है हमारे नगर सेवकों की, उसकी ज़्यादा पड़ी है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? आप लोग भी पत्रकार है, घूमते रहते हैं, पानी का मसला है कि नहीं है? नहीं, मसला तो बिल्कुल है। स्टेम वाटर का पानी हमको नहीं मिलता, हमारे मुद्दे यही थे। आपकी विधायकी ने 100 MLT पानी के लिए उन्होंने घोषणा की थी। 2013 में 100 MLT पानी सैंक्शन हुआ था, वो किन्हीं कारणों से रुका हुआ था हम लोगों ने, फिर बता रहा हूँ, हम लोग 100 MLT की कोशिश कर रहे थे, 2 MLT हम लेकर आए हैं। 2013 का है, आप प्रस्तावना देख सकते हैं, 2013 में 100 MLT का हुआ था, वो रुका हुआ था, अब प्रोसेस हो रहा है, अभी तक भी पूरे वो स्ट्रक्चर में नहीं आया और 2 MLT का पानी आया और हम लोग पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे। आज भी हमारे आमदार आने वाले थे, महाराज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ एक तरफ MLAs बिक रहे हैं, हमारे दोनों शेयर वहीं भिवंडी बॉम्बे में घूम रहे हैं, और वो एकदम साफ बोल दिए कि माइनॉरिटी का मुद्दा, 2.5 साल हो गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये सरकार बनी थी और एक भी माइनॉरिटी का मुद्दा नहीं लिया गया, 5% रिजर्वेशन ले लो, सच्चर कमेटी ले लो, किसी भी मसले को हल नहीं किया गया। हम लोग कल जनता के बीच में क्या देंगे जवाब? अभी आपने आश्वासन दिया कि हम लोग इस मसले को हल करेंगे, और अगर एक बात मैं चेतावनी दे के जा रहा हूँ, अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो हम लोग और इससे डबल मोर्चा, ट्रिपल मोर्चा। डेडलाइन दी उन्होंने कि 2 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन, उन्होंने बोला कि हम इसको स्टडी करके जल्द से जल्द इस पर रिव्यू करेंगे, डेडलाइन नहीं दी, मगर हमने डेडलाइन दी कि हम लोग रुकेंगे, 2 से 3 महीना रुकेंगे, इसको मसले को हल होना चाहिए। वो नई पाइपलाइन बोल रहे हैं 100 MLD वाली जी। हाँ, ये भाई 115 MLD पानी शहर को आता है, जिसमें 70 MLD स्टेम से आता है, 42 MLD तलसा डैम से आता है और 3 MLD पानी वराल देवी से आता है, वराल देवी जो लेक है उससे आता है, जो कि 70 MLD स्टेम वाटर रहता है और बाकी सब रॉ वाटर रहता है। तो सुनिए ना, उसमें 70 MLD 115 में से 70 MLD पानी ज़रूरत है, 45-50 MLD पानी जाता कहाँ है? पानी माफियाओं को ये लोग घेरते क्यों नहीं? इनको जवाब देना पड़ेगा। और सुन लीजिए, मैंने कल एक प्रस्तावना जी, जो 23 उर्दू टीचर का ये लोगों ने तबादला किया है, पहले टीचर लाओ फिर बदली करो। यहाँ पर किस मामला है? इस पर भी करप्शन है,
सारे करप्शन उजागर करूंगा इंशाल्लाह। और हमको सुन लीजिए, मैं इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मेरे लोग के लिए लड़ूंगा। जिस तरह से बोल रहे पानी माफिया का, तो आपने कुछ कार्रवाई की है या कुछ कदम उठाए पानी माफिया? सुनिए ना, मैं ना एक सिपाही हूँ, मैं आंदोलन कर सकता हूँ, मैं लोगों की लड़ सकता हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ। और पुलिस को भी जब कॉरपोरेशन से यहाँ से आदेश मिलेगा तो करेंगे। मतलब ये तय है कि पानी चोरी हो रहा है? पानी 100% आप समझिए, 115 एमएलडी आ रहे हैं, एक आदमी में 100 लीटर पकड़ोगे, 7 लाख आबादी को 70 एमएलडी हो गया, 45-50 एमएलडी जाता का है। अब जो हजारों की जो भीड़ आई है उनको आप क्या जवाब देंगे आज? मैं जवाब दूंगा कि भाई हम लोग आए हैं इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि हम आपको मसले को जल्दी हल करेंगे, और ये डेमोक्रेसी है, हम लोग ऐसे ही मोर्चा लाएंगे, और हमारे लोग हैं वो हमेशा आएंगे। ठीक, और हमें नहीं दिख रहा है, हम लोग इंशाल्लाह करप्ट फ्री भिवंडी लाएंगे, सारे करप्शन खोलेंगे इंशाल्लाह।